तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग। मैं आज आप सबका स्वागत करता हूं मेरे शार्क कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी ये वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है जिससे आप आसानी से पास हो जाओगे। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बोलूंगा कि दोस्तों बस अभी हमको 900 सब्सक्राइबर चाहिए 25,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो मुझे पता है कि आप मुझे पूरा के पूरा सपोर्ट करते हो और आप आज मुझे 25,000 के पास पहुंचा दोगे। तो अभी हम आते हैं सीधे वीडियो पे। जैसे कि हम आप सामने देख रहे हो, एक पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, वैलिड ईमेल आईडी आपको डालनी है। उसके बाद जो आपने रजिस्टर किया है मोबाइल नंबर वो आपको लॉग इन करना है। फिर यू विल रिसीव एग्जाम डिटेल्स, जैसे ही आपने एग्जाम डिटेल्स आ जाएंगे, आपको एग्जाम डिटेल्स आ जाएंगे जैसे आपने रजिस्टर कर दिया है। उसके बाद फॉर अपीयरिंग ऑनलाइन एग्जाम यू कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम आपने जैसे कि विलिंगनेस फॉर्म भरा है कि स्मार्टफोन यूज करना है, लैपटॉप यूज करना है या फिर डेस्कटॉप जो कि वेब कैम के साथ है। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, वो भी एटलीस्ट 1 MB/s की चाहिए। अभी ये मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का है ये पीडीएफ फाइल, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी का मैनुअल है, ऐसा ही सेम मैनुअल होने वाला है, तो आप सब यूनिवर्सिटी से ये रिलेट कर सकते हो। नेट कनेक्टिविटी 1 MBPS एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि 1 MBPS मतलब कि 1 MB/s ही वो देना चाहिए। उसके बाद आपके मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन गूगल क्रोम होना चाहिए, यानी कि अगर आपका आउटडेटेड गूगल क्रोम है तो उसको प्ले स्टोर पर से जाके अपडेट कर लेना है। उसके बाद ये जो एग्जाम है ये बस कौन दे सकते हैं, जो एंड्रॉइड यूजर्स है और उसके बाद जो विंडोज लैपटॉप डेस्कटॉप जो यूजर्स है वो ये कर सकते हैं और वहां से वो गूगल जो क्रोम ब्राउजर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वी रेकमेंड दैट स्टूडेंट्स यूज एंड्रॉइड डिवाइसेस ओनली एज सम कंपेटिबिलिटी इश्यूज एग्जिस्ट विथ iOS डिवाइसेस, मतलब कि उन्होंने बोला है कि हम बस एंड्रॉइड डिवाइसेस को ही हम बोलेंगे कि एंड्रॉइड डिवाइस ही रेकमेंड करेंगे हम, क्योंकि उसमें जो भी है वो आराम से जो भी है सॉफ्ट चलेगा आपका, जिस भी हम टाइप में आपके ऑनलाइन एग्जाम ले लेंगे, चाहे वो गूगल फॉर्म हो या फिर जो डीजी प्रॉक्टर ऐप है उसके मदद से। उसके बाद नीचे उन्होंने बोला है फोन जो भी स्मार्टफोन यूजर्स है वो सेटिंग्स में जाना है, एप्लीकेशन में जाना है, परमिशन वगैरह उसको सब जो परमिशन है वो ऐप में जाने के बाद आपको परमिशन सब अलाउ करना है, माइक्रोफोन वगैरह अलाउ करना है, सब आपको अलाउ करना है। वैसे ही आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप, यानी कि क्या कि जब आप एग्जाम दोगे तो आपकी आवाज उनको उनके तक पहुंचनी चाहिए, कैमरा की सेटिंग वगैरह उनके तक पहुंचना चाहिए, तो सबको आपको परमिशन देनी है। इंपॉर्टेंट उन्होंने एक बात की है उसमें फोर्थ पॉइंट में, मेक श्योर देर इज सफिशियंट लाइट इन द रूम वेर कैंडिडेट इज अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि क्या कि आपके जहां पे भी आप बैठ रहे हो वहां पे ज्यादा से ज्यादा उजाला चाहिए, यानी कि रोशनी चाहिए वहां पे से ज्यादा, क्योंकि जो भी डीजी प्रॉक्टर ऐप है वो आपको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके, और अगर उसने आसानी से आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वहां पे आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो, तो ये बात ध्यान में रखनी है। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन फिफ्थ पॉइंट है, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन इन ऐप एंड ब्राउजर पॉपअप, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो भी आप यूज करते हो सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं। आपको बाजू में सेटिंग्स आती है नोटिफिकेशन ऑफ की, जैसे मैं आपको बता सक रहा हूं, ये देखो यहाँ पे नो नोटिफिकेशन का दिख रहा है, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे नो नोटिफिकेशन आ गया, तो वैसे आप कर सकते हो। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पे आएंगे वहां पे नोटिफिकेशन को आपको ये करना है, उसके बाद आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स है उनको बोल देना है कि प्लीज मेरे को कॉल मत करो, या फिर दूसरे सिम कार्ड में आप नेट डाल लो और जो सिम कार्ड आपके सबके पास नंबर है वो नंबर को आप फ्लाइट मोड पे डाल दो, यानी कि जिससे आपको एक घंटे में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एग्जाम डे में क्या प्रिपरेशन करनी है, 15 मिनट्स पहले एकदम आराम से साइलेंट प्लेस पे बैठ जाओ, अपने डिवाइस को फुल चार्जिंग कर लो और 15 मिनट पहले ही शेड्यूल कर लो। मेक श्योर यू आर सिटिंग अलोन, ऐसा मेक श्योर यानी कि आप ऐसा समझना है आपको कि आप मतलब अकेले ही बैठना है, ना टीवी चाहिए, ना साउंड सिस्टम चाहिए, ना रेडियो चाहिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। मेक श्योर योर डिवाइस इज फुल्ली चार्ज एंड यू हैव पावर बैकअप, पावर बैंक, चार्जिंग फैसिलिटी इन केस योर डिवाइस ड्रेन्स आउट ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि चार्जिंग फुल करना है ये तो हमको मालूम है, ठीक है। टेस्ट योर कंप्यूटर लैपटॉप और स्मार्टफोन, मतलब आपके कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन को पहले ही चेक कर लो कि वो सही में चल रहा है, दिक्कत तो नहीं आ रही है कुछ। प्लीज नोट यू मे नॉट बी एबल टू अपियर फॉर द एग्जाम इफ वेब कैमरा अटैच विथ योर सिस्टम इज नॉट फंक्शनल एंड द एक्सेस टू द सेम इज नॉट गारंटेड ग्रांटेड, यानी कि क्या कि
आपको पहले ही सब सेटल कर लेना है 15 मिनट पहले कि मैंने सब जो भी परमिशन है वेब कैमरा वगैरह उसको परमिशन दी है या फिर नहीं दी है, ठीक है वो। उसके बाद ऑल फ्लोटिंग विंडोज शैल बी क्लोज प्रायर टू एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये देखो वापस बता रहा हूँ, ये फ्लोटिंग विंडो रहती है यहाँ पे, तो नो नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आएगा नो बैनर नोटिफिकेशन और साउंड वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है वैसा। उसके बाद कैंडिडेट्स हु आर यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप आर रिक्वेस्टेड टू डिसेबल एंटीवायरस अपडेट्स विंडोज अपडेट्स विच माइट क्रिएट डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द एग्जाम। और जो भी कैंडिडेट्स है जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह यूज करने वाले हैं उनको बोला है कि एंटीवायरस जो भी है आपके जो भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है जो आपको बीच बीच में पॉपअप करते हैं नोटिफिकेशन आती है तो उसको आपको बंद करके रखना है। तो उसके बाद आपको तो मालूम है, आपको उन्होंने बोला है कि जो भी आप ऐप यूज करने वाले हो जो भी कॉलेज ने आपको ऐप बोले हैं वो ऐप की आपको पहले लिंक आएगी, वो लिंक को कॉपी करना है, क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहां पे पेस्ट करना है। यानी कि देखो आपको कॉलेज वाले लिंक भेजेंगे, वो लिंक आपको कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको लिंक को पेस्ट करना है। वहां पे जैसे आप पेस्ट करोगे वहां पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डालना है, 15 मिनट रुकना है, शेड्यूल एग्जाम होगी 15 मिनट बाद, आप एकदम रिलैक्स फील करना है। फिर उसके बाद जैसे ही 15 मिनट हो गए वैसे जाके आपको एग्जाम देनी है, यानी कि एग्जाम को अपीयर करना है और आपको सामने क्वेश्चंस धीरे धीरे आना चालू हो जाएंगे। और उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं भी दिखता है तो आप जो भी आपके मैनेजर यानी कि आप जो भी कॉलेज में जो भी अथॉरिटीज है उनसे आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो। अभी क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रक्शन। पहले तो ड्यूरिंग द एग्जाम स्टूडेंट शुड नॉट स्विच स्क्रीन और मूव आउट द एग्जाम पेज और ओपन एनी अदर एप्लीकेशन, दिस विल टर्मिनेट द एग्जाम। यानी कि कोई भी हालत में आपको नई स्क्रीन नहीं ओपन करनी है, शॉर्ट स्क्रीन नहीं करनी है, वो जो छोटा कैमरा आता है उसको बंद नहीं करना है, जो भी आपके फेस कैमरा है उसको बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। मिनिमाइजिंग ब्राउजर विंडो विल ऑल्सो टर्मिनेट योर एग्जाम, मतलब कि अगर आपने गलती से भी मिनिमाइज कर दिया, जी हाँ दोस्तों गलती से भी मिनिमाइज कर दिया तो आप वहां से टर्मिनेट हो जाओगे। यानी कि अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको स्टैंड पे ही रखोगे जिससे आपका हाथ बार बार वो मिनिमाइज बटन या फिर गलती से भी मिनिमाइज बटन पे दब गया तो आप वहां से टर्मिनेट हो जाओगे। इफ एग्जाम इज डिसकंटिन्यूड बिकॉज ऑफ एनी कनेक्टिविटी इशू यू आर रिक्वेस्टेड टू री लॉग इन इमीडिएटली बाय यूजिंग द सेम लॉग इन क्रीडेंशियल्स। यानी कि अगर आपका गलती से नेट कनेक्टिविटी चले गया, फोन वगैरह आ गया, ठीक है, अगर आपने फोन उठाया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, लेकिन अगर आपने फोन को कट कर दिया तुरंत तो आप वहां पे डिसक्वालीफाई नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आपके दोस्त का या फिर घर वालों का आ ही गया बाय चांस फोन, सब इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर आपको फोन आ गया तो आप उसको उठाना नहीं है, उसको कट कर देना है जिससे कि आपका नेट बंद नहीं होगा या फिर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, इससे आपकी एग्जाम भी बच सकती है। अदर इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंस्ट्रक्शंस आपको मालूम है, फोन वगैरह नहीं, उसके बाद कोई भी इंसान से चीटिंग करने का नहीं, उसके बाद वॉशरूम वगैरह का आपको टाइम नहीं मिलेगा, एक ही घंटे का तो है तो वॉशरूम का कोई नहीं, पहले ही जो है वो कर लो, ठीक है। उसके बाद इफ एनी कैंडिडेट रिसीव और एक्सेप्ट कर लिया उसने फोन कॉल, जैसे कि मैंने बोला, या फिर नोटिफिकेशन पे उसका क्लिक हो गया, गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ, तभी भी आपको एग्जाम में से निकाल देंगे यानी कि टर्मिनेट कर देंगे। होप आप सबको ये समझ गया है, सभी का यही होने वाला है मैनुअल, बस इतना है कि वो कौन से ऐप से लेते हैं वो चेंज होगा, बाकी ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैंने सब पॉइंट्स आपको अच्छे से समझाए होंगे, आपने ये पढ़ा भी होगा लेकिन वापस एक बार कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है मुझे लग रहा है। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ दोस्तों ऐसा ही प्यार बनाए रखना यार, मैं ऐसे ही कंटेंट्स आपको देते रहूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ, जय हिंद दोस्तों, मैं अजय शाह।